बच्चों पाठ है कर्ता कारक। मालूम है कारक साथ होते हैं, विभक्ति साथ होती है, जिसमें कि पहला विभक्ति है कर्ता कारक। कारक कर्ता कारक है और इसका विभक्ति होता है प्रथमा विभक्ति, जिसको कर्ता कारक को इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस होता है, जिसके इसके पहले हम शब्द ज्ञान आपको बता रहे हैं। यस ऐसा या होता है और एक एक सस का खरगोश, अस्थि है वने वन में, तय निशति मने रहता है, ये सारे लट लकार में आ रहा है रूप। चतुर चला पशु जानवर होता है, भौती होता है, ये लट लकार का रूप आता है। इसमें आप लोग को मालूम है, मैं इसी का अब पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान से सुनिए, ऐसा एक सस का अस्थि, ऐसा या एक खरगोश है, वने निशति खरगोश वन में रहता है, सस्क एक चतुर पशु भवन्ति, खरगोश एक चतुर चला जानवर है, सस्क अति तीव्र धावती, खरगोश तेजी से दौड़ता है, ऐसा गंगा नदी अस्ति, यह गंगा नदी है, गंगा जलम स्वच्छ शुद्ध च भवति, गंगा जल साफ और शुद्ध होता है। यम हरिद्वार इलाहाबाद वाराणसी इत्यादि नगरेशु वहती, यह हरिद्वार इलाहाबाद वाराणसी आदि नगर में बहता है। अत्र अनेके भक्ता वसन्ति, यहाँ अनेक भक्त रहते हैं, बहुत से भक्त रहते हैं। अस्या तटे अनेका वृक्षा अपि सन्ति, इसके किनारे अनेक से पेड़ है यानी वृक्ष है। एसु वृक्षेशु अनेका खगा अपि वसन्ति, यह वृक्षों पर अनेक चिड़िया भी रहती है। एतत् उपनम अस्ति, यह बगीचा है, उपनम रम्य अस्ति, बगीचा सुंदर है। अत्र अनेका वृक्षा लता च सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष बेलो है, लतासु अनेकानि पुष्पाणि सन्ति, बेलों पर अनेक फूल हैं, पुष्पाणि मनोराणि सन्ति, फूल जो है सुंदर है। अत्र कमलानि अपि सन्ति, यहाँ कमल के फूल भी हैं। बच्चों ये पाठ को मालूम है कि ये कारक कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने, जिसमें इसमें विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। तो आपको रूप भी बताया होगा कि शब्द रूप में भी यहाँ शब्द रूप और लकार आता है। लकार में पांच लकार होते हैं, जिसमें लकार पांच लकार होते हैं, जैसे है लट लकार यानी वर्तमान का, जिसको हिंदी में होते हैं वर्तमान का, अंग्रेजी में होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है लिट लकार, जिसको कहते हैं लिट लकार यानी भविष्यत का यानी फ्यूचर टेंस। तीसरा है लोट लकार, यानी लोट लकार अनुज्ञा होता है, जिसको पास्ट टेंस कहा जाता है। तो बच्चों मालूम है लकार जब तक लकार का ज्ञान नहीं होगा, शब्द रूप का ज्ञान नहीं होगा, जब कारक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ही आपका संस्कृत असंभव लगेगा। इसलिए बच्चों आप लकार और कारक और शब्द रूप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पीछे मैं आपको बता रही हूँ, पीछे में जैसे दिया है धातु, धातु रूप में है लट लकार यानी लट लकार वर्तमान का, तो इसका रूप धातु रूप है पट धातु रूप। पट धातु रूप में जैसे दिया है, आपको मालूम है कि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, वचन, बहुवचन। अगर हिंदी में दो चीज़ों को हम बहुवचन में मानेंगे, लेकिन संस्कृत में दो चीज़ों को हम बहुवचन नहीं कहेंगे, उसमें द्विवचन कहेंगे। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उच्चतम पुरुष। बच्चों आपने जैसे पुरुष, जैसे पर्सन आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, संस्कृत और इंग्लिश,
से थोड़ा मिलता जुलता, इसलिए आप संस्कृत के साथ इंग्लिश भी कनेक्ट करिएगा तो आपको संस्कृत जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए पुरुष है, जिसको इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह संस्कृत में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब जैसे मान लीजिए प्रथम पुरुष में दिया है पठती पठता पठंती, मध्यम पुरुष पठसी पठता पठत, उत्तम पुरुष पठानी पठाओ पठाओ। बच्चों हम आदेश अगर हम अनुवाद बनाएंगे, अनुवाद बनाने के लिए हमें कारक, शब्द रूप और लकार, हमें सभी जरूरी है। कारक बना अनुवाद बनाने के लिए पहले हम उसको पहचान करते हैं कि कौन सी कारक में है। तो मालूम लीजिए लट लकार है, तो हमारी पहचान कैसे आएगी कि जैसे मान लो राम पढ़ता है या मैं पढ़ता हूँ, तो हमारा पहचान कैसे होगा कि ये लट लकार में है। जैसे लट लकार किसे कहते हैं, जैसे जिस क्रिया के अंत में ता तेती रहता है उसे हम लट लकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, तब क्रिया के अंत में ता है तो हमें पहचान आ गया कि ये लट लकार का रूप है, तो वह पढ़ता है। अब ये भी देखेंगे कि वह पढ़ता है, तो ये हमारा पहचान पहले करेंगे कि ये लट लकार का रूप है। फिर देख उसके बाद देखेंगे किस वचन में, तो हमारा वचन भी एक आ रहा, एक वचन आ रहा है। और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पुरुष आ रहा है, तब प्रथम पुरुष आ रहा है। तब बच्चों आपको बताया था स तौते, तो स मने होता है वह, और स प्रथम पुरुष में आ गया वह पढ़ता है, चाहे राम पढ़ता है तो भी प्रथम पुरुष में आ गया एक वचन में राम। तो वो एक वचन का जब वह स आया या राम आया तो पठ भी हम प्रथम पुरुष का एक वचन लिखेंगे, तो स पठती या राम पठती। आगे बच्चों अब जैसे मान लीजिए वे दोनों पढ़ते हैं, तो हमको ये दो का द्विवचन आ गया, क्योंकि दो का भेद आया। अब पढ़ते हैं ये भी हमें मालूम है कि ये लट लकार में आ रहा है, तो हम वे दोनों पढ़ते हैं, तो लिखेंगे तव माने होता है वे दोनों। अब तव आया तो इसमें प्रथम पुरुष आया, तो प्रथम पुरुष का ही रूप हम द्विवचन रूप लिखेंगे, तो लिखेंगे तव पढ़ता। अब मान लीजिए वे लोग पढ़ते हैं, अभी आ गया बहुवचन वे लोग, यानी दो से अधिक हो गया, तो वे लोग पढ़ते हैं, तो देखेंगे कि अभी हमारा प्रथम पुरुष का रूप आ रहा है। जब प्रथम पुरुष का रूप आ रहा है, बहुवचन रूप आ रहा है, तो लिखेंगे ते, यानी ते पठंती, हमारा ते पठंती हो जाएगा। तो हम पुरुष यानी वचन शब्द रूप और लकार के अनुसार, वचन के अनुसार हमारा अनुवाद बनेगा। इसीलिए बच्चों आप लोग समझिएगा, लेकिन मगर ये संस्कृत है, संस्कृत आप संस्कृत जब तक बुक नहीं लीजिएगा तब तक आपका संस्कृत बेशक उतना समझ में नहीं आएगा। बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप बुक किताब अवश्य ले लें। थैंक यू।